फर्जी लोन ऐप को लेकर भोपाल साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी अमित कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर ब्लैकमेलिंग की गई है। वहीं ठगी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके तार कई प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार के निर्देश पर साइबर क्राइम ब्रांच जिला भोपाल की टीम ने स्टेट फर्जी लोन ऐप के माध्यम से चोरी करने वाले आरोपियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया है। 16 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। फर्जी ऐप लोन के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि कई दिनों से फर्जी ऐप की शिकायतें मिल रही थी। इसमें 4 कॉल सेंटर संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक चाइनीज व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया गया है जो कि इंडिया के बाहर है, उसे भी आरोपी बनाया गया है। इसके चलते कई ऐप बंद कराए गए और पैसे वापस दिलाए हैं। उन्होंने बताया ठग लोन ऐप इंस्टॉल करते थे और 5,000 रुपए देते थे। इसके कुछ ही दिनों में उन्हें 9,000 रुपए देने को कहा जाता था। नहीं देने पर कस्टमर के मॉर्फ पिक्चर और कॉन्टेक्ट निकाल कर भेजे जाते थे। इसमें 3 कॉल सेंटर पर कार्रवाई की गई है। इसमें फर्जी सिम का भी उपयोग किया जाता था। इनके तार कई प्रदेशों से जुड़े हैं। क्रिप्टो अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। कई दिनों से जो है लोन ऐप्स की हमारे पास शिकायतें आ रही थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पिछले 3 माह में लोन ऐप पे जो है अंतर्राज्यीय कार्रवाई की है। इसको कार्रवाई करने वक्त हमने लगभग 16 से ज़्यादा लोगों को जो है गिरफ्तार किया है। एक ऐप डेवलपर को हमने गिरफ्तार किया, 11 खाताधारकों को गिरफ्तार किया, 4 कॉल सेंटर संचालकों को गिरफ्तार किया और एक चाइनीज़ व्यक्ति को जो है हमने आइडेंटिफाई किया है जो इंडिया से बाहर है और उसको हमने जो है आरोपी बनाया है। इसके तारतम्य में हमने कई ऐप्स को बंद कराए हैं, कई लोगों के पैसे जो है वापस दिलवाए हैं और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से था कि लोगों को जो है लोन ऐप के APK जाते थे, लोग उस APK को इंस्टॉल करते थे। इंस्टॉल करने पे एक बार अगर 5,000 उन्हें मिलता था तो तत्काल जो है 5-6 दिनों के बाद उन्हें 9,000 देने के लिए कहा जाता था और फिर अगर वो दे नहीं पाते थे तो उसी ऐप में दूसरे ऐप्स का लिंक रहता था जिससे वो एक बार फिर 9,000 दे तो फिर अगली बार में 15,000 हो जाते थे और अगर वो दे नहीं पाते थे तो फिर उनके जो है फ़ोटो कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह जो है उनको कॉपी करके वायरल किया जाता था। वायरल करने के बाद उनके फ़ोटोज़ को भी मॉर्फ किया जाता था, उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को उनके सारे जो मॉर्फ पिक्चर्स थे वो भेजे जाते थे। इसी तारतम्य में हमने 3 कॉल सेंटर्स पे कार्रवाइयाँ की थी। इंदौर से जो है लगभग हमने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था जिन्होंने जो मतलब फर्जी सिम को बनाते थे और फर्जी सिम को बनाने के बाद लगभग राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में जो है इन सिम्स को भेजते थे और यहाँ से फिर जो है जो चाइनीज व्यक्ति या इंडिया से बाहर रहते थे उनके पास ये जो है सिम के डिटेल्स जाते थे और उसके बेसिस पे जो है ट्रांजेक्शन होते थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।